नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन कुमार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूट्यूब स्टडी में। अभी तक हम अपने यूट्यूब स्टडी के जो लेक्चर्स देखते आ रहे थे उनमें हम केवल मैथ से रिलेटेड लेक्चर्स देखते आ रहे थे। आज से मैं एक प्लेलिस्ट और ऐड कर रहा हूं जिसके माध्यम से मैं आपको टेंथ क्लास का यूपी बोर्ड टेंथ क्लास का इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस भी पूरा कवर अप कराऊंगा। तो आज के लेक्चर में हम केवल और केवल डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर सिलेबस के बारे में, कितने नंबर का क्या पोर्शन आता है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर में आता है, क्या क्या पूछा जाता है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। आपको बता दूं, हमारा 70 मार्क्स का टोटल जो पेपर होता है वो रहता है, जिसमें 35 मार्क्स में टेक्स्ट बुक से रिलेटेड पूरा मैटर आता है और 35 मार्क्स जो बकाया बचा वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आता है। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे यूपी बोर्ड टेंथ क्लास की, और आज उसका पूरा सिलेबस देखेंगे। फिर हम उसके सिलेबस में जितने भी टॉपिक होंगे उनको टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है उसमें तीन पार्ट है, मतलब तीन पोर्शन में जो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है वो डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में हमारे ये टॉपिक देखने को मिलेंगे। नंबर एक है हमारा पार्ट वन जो हमारा है इसका, वो हमारा 15 मार्क्स का रहेगा। इन सारी चीजों को ये 15 नंबर में पूछ लेगा, इनमें से कुछ भी 15 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, यहां से 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर बन जाता है। तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब वही की सेंटेंस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वर्ब है हमारी, ऑब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट है, ये चीजें होती हैं हमारी। नंबर दो है हमारा सेंटेंस टाइप, तो सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, द वर्ब क्रिया के बारे में पढ़ेंगे हम, ये टॉपिक है हमारे। और प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे, वी हैव डू का प्रयोग, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरीज, नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस, मतलब भाई नेगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव जैसा कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं हम वो भी पढ़ेंगे। इसके बाद टेंस आ जाते हैं हमारे, जिसमें फॉर्म एंड यूज, मतलब भाई कौन सी फॉर्म और किस तरह किस इसको यूज करना है कहाँ पे। द पैसिव वॉइस भी हम इसमें कवर अप करेंगे, और द पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके बाद आ जाता है 10 नंबर पे, एंड 11 नंबर पे इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच रहती है। नंबर 12 जो है वो है वर्ड फॉर्मेशन, मतलब वर्ड को किस तरह, मतलब वो स्पेलिंग मिस्टेक करके, सॉरी मिस्टेक नहीं, फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह दे देंगे, उसको हमें फिल करना होता है, पूरा फॉर्म बनानी होती है। पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, मतलब अगर वो सेंटेंस को थोड़ा सीरीज गड़बड़ कर दें या फिर उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कुछ पूछ लें, इस तरीके से इसमें रहता है। तो ये पार्ट वन में इतने सारे टॉपिक हैं जो कि 15 नंबर में ये पूछ लेता है। इसके बाद पार्ट टू पे चलते हैं, आप ये पार्ट वन का जो है सिलेबस नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। इसके बाद जो हमारा पार्ट सेकेंड है उसमें कुछ इस तरह से टॉपिक है। पार्ट सेकंड में हमारा एक ही टॉपिक रहेगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। वही आपको एक स्टोरी दे रखी होगी हिंदी में और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कराएगा, जो कि 4 नंबर में आएगी। ठीक है, पार्ट थर्ड में हमारा रहेगा कंपोजिशन। कंपोजिशन पार्ट ए रहेगा, उसमें आपको लॉन्ग कंपोजिशन और कंट्रोल कंपोजिशन सीखने होंगे, जो कि 6 मार्क्स में आएंगे। इसी का पार्ट बी है लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन, ये ऑब्लिक लगा हुआ है और में, मतलब इनमें से कोई एक चीज पूछेगा, या तो लेटर पूछ लेगा लिखाने के लिए या फिर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन किसी के लिए भी हो सकती है और लेटर भी किसी के लिए हो सकता है, वो आपको मैं टॉपिक क्लियर करा दूंगा। वो भी क्या रहेगा, 4 नंबर में पूछेगा। उसके बाद कंप्रेहेंशन में अनसीन, जो कि पढ़ा हुआ नहीं आता, उससे रिलेटेड पूछ लेता है, जो कि हमारा जो है 6 मार्क्स का रहता है। अपेंडिसेस में हमारे वर्ड्स ऑफ टन कंफ्यूज पूछता है पहला, और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भाई समानार्थी और ग्लोम जो होते हैं, क्रैश ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, एंड फोर्थ वन इज ग्लॉसरी। तो इतने सारे जो टॉपिक हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में रहने वाले हैं, 3 पार्ट हैं इसमें। तो पार्ट वन हमारा जैसा कि हमने देखा था कि 15 नंबर का था, और पार्ट टू में हमारा भाई कितने का एड हो रहा है, प्लस 4, और पार्ट थर्ड जो हमारा है प्लस 6 एंड 6 प्लस 4 एंड 6। ठीक है, तो कितना हुआ, 6 4 10, 10 4 14 15 और 5 20 और टोटल ये 35 मार्क्स का इंग्लिश ग्रामर आपकी रहेगी।
तो आज हमने इसके लिए सिलेबस कवर कर लिया है। आप इस सिलेबस को पूरा का पूरा आप जो जहां पे नोट्स मैं आपको लिखवाऊंगा या फिर मैं पढ़ाऊंगा उसकी फर्स्ट कॉपी पे आप एज इट इज नोट कर लें। टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, एकदम टॉपिक को क्लियर करता कराता हुआ चलूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों ये मेरा इंग्लिश ग्रामर के लिए फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है, लेक्चर था मेरा, जो कि आज मैंने इसका पूरा सिलेबस बता दिया है। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जिससे उनको भी कोई दिक्कत ना हो पढ़ने के लिए, और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली वीडियो का नई वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा और आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस।